हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ सुरक्षित एवं खुश होंगे, अपने घर पे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। बहुत दिनों बाद आ रही हूँ ना, सॉरी थोड़ा सा बिजी थी, पर देखो आते आते मैं आप लोगों के लिए कुछ मीठा लाई हूँ। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ। तो ये है रोज़ फिरनी। तो रोज़ फिरनी कुछ नहीं, ये हम जैसे खीर बनाते हैं ना वैसे ही होता है, बस इसमें रोज़ फ्लेवर ऐड किया जाता है। तो देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। आप यहाँ पे गोविंदभोग राइस या फिर आतोप राइस ले सकते हो, ये बंगालीज को पता होता है। ये बेसिकली खीर बनाने के लिए यूज़ होता है। ये राइस छोटे छोटे होते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून राइस लिया है, जिसे मैंने भिगो के रख दिया था एंड मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा करके पीस लिया था। ज़्यादा पीसना नहीं है, पेस्ट नहीं बनाना है, अच्छे से जस्ट पीस लेना है। और यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, आपके जो भी पसंदीदा हो। यहाँ पे मेरे पास कैशू अवेलेबल था तो मैंने उसे भी भिगो के रखा था एंड पीस लिया। यहाँ पे मैंने 8 टेबलस्पून शुगर लिया है और यहाँ पे रोज़ सिरप है, रोज़ सिरप फ्लेवर के लिए है। और यहाँ पे रोज़ भी लिया है सो दैट रोज़ पेटल्स में डाल सकूँ। देन आपको मिल्क जो है, मिल्क को आपको अच्छे से बॉईल करना है, उसे चिपकना नहीं चाहिए, तो उसे हमेशा हिलाते रहना है और उसे गाढ़ा कर लेना है। देन उसके अंदर आपको राइस ऐड कर देना है, उसके बाद अच्छे से मिला लें। देन एक एक करके सब डालते दीजिए। तो यहाँ पे मैंने कैश्यू डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने बे लीव्स लिया है, 2 बे लीव्स लिया है, उसे मैंने हाफ करके उसके अंदर डाल दिया। देन अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद इसमें शुगर ऐड कर दिया, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया पूरा बिल्कुल जैसे हम पायश बनाते हैं वैसे ही बनाना है। पायश इज बंगाली वर्जन ऑफ खीर। देन यहाँ पे कार्डमम पाउडर मैंने डाल दिया, इलायची एंड देन ये रोज़ सिरप। अब रोज़ सिरप मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ज़्यादा डाल दिया ये, पर फिर भी कलर नहीं आया था तो मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर यूज़ किया है कलर के लिए। अब रोज़ फिरनी है, कलर भी तो होना चाहिए ना, तो इसलिए कलर एंड देन उसमें रोज़ पेटल्स डाल दिए, ओरिजिनल रोज़ पेटल्स। खाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या होता है ना, हम ठंडा सर्व करना पड़ता है, मतलब ठंडा अगर खाओ तो अच्छा लगता है, पर उस दिन मेरे भाई का बर्थडे था तो मैंने गरम ही इसे दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने गार्निश किया है रोज़ से, रोज़ पेटल्स एंड ड्राइड रोज़ एंड कैश्यू और किशमिश से। देन जो बाकी था वो मैंने बाउल में निकाल के उसे फ्रीज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। देन उसे नेक्स्ट डे मैंने खाया था, हम सर्व किया था सभी को। और तो गार्निश किया था रोज़ पेटल्स एंड ड्राइड रोज़ एंड किशमिश से। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो और देखने में अच्छा लग रहा हो तो ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में शेयर ज़रूर करना। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। हैप्पी वॉचिंग। टाटा।